بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على وزنه وحبيبه وابن عمه حسن الله الغالب راوم بكل راوم من مظهر العجائب والغرائب الذي كانت ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أما قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يطمع كل امرئ منهم يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون بر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے آیت بھی سنو ادا ہو جائے ذرا مل کے صلوات پڑھ لیجئے اللہم صل علی محمد وعلى فرماتا ہے آیت مرو اے میرے محبوب آیت مرو آیت تمہ لگتا کل عمر من ہوں آیا ہر ایک ان میں کا یہ تما رکھتا جب یہ آیت اتر رہی تھی جو سامنے بیٹھے تھے وہ مخاطب اب آیت پڑھی جا رہی ہے آپ حضرات سامنے بیٹھے ہو آپ مخاطب آواز آتی ہے آیت مرو آیا تما رکھتا کل عمر من ہوں آیا ہر ایک ان میں کا دل میں یہ تما رکھتا کیا تما کہیں یدخل جنت نعیم کہ ان لوگوں کو میں جنت نعیم نعمت والے بہشت میں داخل کروں گا یہی تما ہے نا ہر ایک کے دل میں اسی تما پر حنفی بنا اسی تما پر شافعی بنا اسی تما پر مالکی بنا اسی تما پر حنبلی بنا اسی تما پر مقلد بنا اسی تما پر غیر مقلد بنا اسی تما پر شیعہ بنا کیا تما گئیں یدخل جنت نعیم کہ ان لوگوں کو میں نعمت والے بہشت میں داخل کروں گا پھر نہیں کرے گا آواز آتی ہے کلا ہرگز نہیں بھلا یہ لوگ اور بہشت شکلیں تو دیکھو بہشتیوں
भाई माफ करना, मैं नहीं कह रहा आयत माफ करना, सलावत पढ़ दीजिए एक दफा, लफ्ज़ी तर्जमा तवज्जो से समाज फरमा ली, आयत मरो आया तमा रखता है कुल उम्रे हर एक इनमें का ये तमा रखता, क्या तमा गई युद्धला जन्नत नहीं, कि इन लोगों को मैं जन्नत नहीं नियामत वाले बहिष्ट में दाखिल करूंगा, फिर कल्ला हरगिज नहीं। क्यों, जरा वजह सुनिए, बहिष्ट में क्यों नहीं जा सकते, वजह क्या है इन लोगों के बहिष्ट में न जा सकने। फरमाता है इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यअलमून, वजह यह है इन लोगों के बहिष्ट में न जा सकने की कि इन्ना खलकनाहुम, हमने इनको खलक किया, हमने इनको पैदा किया, मिम्मा उस चीज से इनको पैदा किया, कि यअलमून सब के सब जानते हैं, नजिस पली, क्योंकि ये पली चीज से पैदा हुए, गौर करना जहां जहां बैठे, इनकी जड़ नजिस, इनका नुक्ता उला जहां से इनका आगाज हुआ हो नजिस, दो निजासतें मिली इनकी जड़ बनी, गौर फरमाना। फिर मां के पेट में 9 महीने रहे, वहां गिजा मिली, वो भी नजिस, वो जो महीने के महीने 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, समझ में आ रहा है, ज्यादा तौजीह की जरूरत नहीं, वो निजासत होती थी ना 8 दिन 10 दिन, हर महीने में बंद हो गई, क्यों, बच्चे की गिजा बन गई, लेकिन कुर्बान उसकी कुदरत के गिजा के लिए ये मुंह बनाया था, लेकिन शिकमे मादर में इधर से गिजा मिल रही, क्यों, गिजा है नजिस, लिहाजा इधर से पहुंचे, ये रहने दे पाकों का नाम लेने के लिए, सलवात भी पढ़ दो ना। 9 महीने के बाद निजासतों में लिथड़े पुथरे हुए शिकमे मादर से बाहर आए, दाई ने तमा में लालच में नाक बंद करके धोया साफ किया, अब भी सूंगो बदबू आएगी, सोहबत की तासीर, 9 महीने निजासतों में रहे, संभाला 2.5 साल 3 साल के हुए, बहेज तो हमारे लिए है ही क्या, बहेज तो हमारे लिए, आवाज आती है क्या बकता, अयतमाउ कुल उम्रे मिनहुम, हर एक इनमें का ये तमा रखता है कहीं युद्धला जन्नत नहीं, कि इन लोगों को मैं नियामत वाले बहिष्ट में दाखिल करूंगा, कल्ला हरगिज नहीं, भला ये लोग और बहिष्ट क्यों, इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यअलमून, सलावात तो पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों, बहिष्ट में जाने से तो हम लोग रहे, क्यों इनकार ही नहीं कर सकते कि हम उस नजिस चीज से पैदा नहीं हुए, ऐसी नजिस कि अगर सोते या जागते में एक कतरा खारिज हो जाए, खुदा मुंह ही नहीं लगाता, ना उसकी नमाज पढ़ सकें, ना उसका रोजा रख सकें, ना उनकी उसके घर मस्जिद में जाके बैठ सकें, ना उसके कलाम कलामुल्लाह को छू सकें, एक कतरे का करिश्मा, या पहले नहा, किस तरह साबन मलमल के नहा, नहीं नियत कर, क्या गोसल करता हूं मैं, वो समझते हो ना भाइयों, गोसल करता हूं वो, क्यों वाजिब का कुर्बतन इल्लाह, ताकि अल्लाह करीब हो जाए, मालूम हुआ ये ऐसा कतरा था जिसने अल्लाह से दूर कर दिया था, और नियत करके इसलिए गोसल करता हूं कि कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो जाए, और जो चीज अल्लाह से दूर कर दे वो नजिस। सलवात तो पढ़ दो, अल्लाह मिल के सलवात पढ़ो, लुत्फ़ावे। अब मेरे भाइयों, में मुख्तसर करूं, बहिष्ट में जाने से तो हम लोग रहे, इनकार ही नहीं कर सकते कि हम उस नजिस चीज से पैदा नहीं हुए। अब आप कहेंगे मियां क्यों इतनी बातें बनाता, अरे इसीलिए नमाजें पढ़ी, इसीलिए रोजे रखे, हज किए, ज़कातें दी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, बहिष्ट मिल जाए, गलत। खुदा की कसम, तुम्हारी ये नमाजें रोजे हज ज़कातें, तुम्हारे ये आमाल इस काबिल नहीं है कि तुम्हें बहिष्ट में ले जाएं। जानते हो ये क्या है, ये है ज़ादे राह, रास्ते का खर्च।
ये सब ज़ादे राह हैं। ऐ जो ही बहिश्त की सरहद आई, नमाजें भी अलग खड़ी हो गई, रोजे भी अलग खड़े हो गए, हज भी अलग हो गए। क्यों, हमारा काम यहीं तक था। अब आगे कदम बढ़ाया, बहिश्त के फाटक से थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा था, बेगाने आए, हट, कहां जा रहा है ये बहिश्त में। नहीं, वाह देख, इतनी नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहा, कि कमबख्त इन्हीं ने तुझे यहां तक पहुंचाया। आगे इनका काम नहीं, आगे पासपोर्ट दिखा। समझे नहीं, जरा बच्चे भी समझ लें, बैठे बैठे आपका ख्याल आ गया कि चलें बगदाद शरीफ पीरान पीर की ज़ियारत करने। इत्तेफाक ख्याल जो आया अल्लाह के फजल व करम से, कार आपके पास पहले से मौजूद और नई कार, ख्याल आया कि मजे से सफर हो, नौकर चाकर भी साथ हों। क्या किया, तंबू किनाते खरीद ली, आटे की गुनिया, चावल के वो गुनिया, घी के कनस्तर, नमक मर्च मिसाला सब एक ट्रक ले लिया, उसमें भर ली, नौकर चाकर बिठा लिए, तंबू किनाते बार कर ली, बावर्ची साथ, बिस्मिल्लाह करके चल दिए। जहां कहीं शाम हुई, ख्याल आया कि यहीं डेरा लगाओ, नौकर उतरे, तंबू किनाते लग गई, बावर्ची खाने पकाने में मशगूल हो गया, मजे से रात सफर की, रात बसर की, सुबह हुई नाश्ता किया, फिर खुद कार में बैठे, नौकर चाकर ट्रक में, चल दिए। पांच दिन छह दिन बड़े मजे से सफर हुआ, छठा दिन आया, अब बिल्कुल आ गई इराक की सरहद, बगदाद शरीफ है दूसरा मुल्क इराक, हम हैं पाकिस्तान के रहने वाले, ये आई पाकिस्तान की सरहद, आगे आ गई इराक की सरहद, रात यही बसर की सरहद के इधर, सुबह हुई नाश्ता किया, कार में बैठे, जो ही कार स्टार्ट की थी, आ गए बेगाने, कहां जा रहे हो, कि जी बगदाद शरीफ पीरान पीर की ज्यारत करने आए, कहां से, कि जी लाहौर मुल्तान से, पाकिस्तान से, जी नहीं जा सकते, कौन रोकने वाला, कार मेरी अपनी, ट्रक मेरा अपना, ये नौकर चाकर मेरे अपने, घर से गुनिया पिसवा के लाया हूं आटे की, समझते हो, देख ले, चावल की गुनिया मेरी अपनी, जमीन की, ये किनस्तर देखता है घी के, मेरे अपनी गाय भैंसों के, तू कौन रोकने वाला। सुनो ठंडे दिल से, इन्हीं चीजों ने आपको यहां तक बड़े मजे से पहुंचाया, आगे इनका काम नहीं, पासपोर्ट दिखाओ। भाई समझ में आ गया ना, अब ये हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है कि बहिश्त में लाएं, बहिश्त के फाटक तक पहुंचा देंगे, आगे पासपोर्ट क्या है कि वो खिल की निजासत, समझिएगा बात को, वो खिल की निजासत जो माने वे दुखूल बहिश्त है, बहिश्त में क्यों नहीं जा सकते कि हमारी खिलकत नजिस, अब पासपोर्ट क्या है कि इस खिल की निजासत को धुलवाओ, क्योंकि वहां वहां नजिस नहीं जा सकता, वहां पाकों की सरदारी, वहां पाकों की सरदारी है, नजिस वहां नहीं जा सकता, अब पासपोर्ट क्या है कि इस खिल की निजासत को धुलवाओ। कहां से, तो मैं अब तमहीद खत्म कर लूं, मेरा ही रुमाल मेरे हाथ में था, जहां पसीना आया गर्मी की वजह से तकरीर करते हुए, फौरन ए पूछ लिया, तो खाने की चीज मिली रख ली, जहां जी चाह बैठे गिरा खोली और खाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी अभी मुझे इलम हुआ कि मेरा ही रुमाल नजिस हो गया, अब क्या करूंगा, मुंह पर मलूंगा, तो खाने की चीज रखूंगा इस? नहीं, अब मुझे तलाश होगी किसकी, पानी की, कैसा पानी, जैसा भी मिल जाए, नहीं पानी हो मगर पाक, क्योंकि निजासत का इल्म हो गया, मालूम हुआ जब निजासत का इल्म हो जाए तो फिर पाकों की तलाश शुरू होती है। सलावत तो मर्दों पर, अब मेरे भाइयों, अल्लाह आपको खुश रखे, अब भाइयों जब हमें इल्म हो गया कि हम नजिस चीज से पैदा हुए, हमारी खिलकत नजिस, हम इस काबिल नहीं है कि बहिश्त में जा सके जब तक कि इस खिल की निजासत को न धुलवाएं, कहां से, चलो किसी बुजुर्ग के पास चले, हर वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला, बड़ा परहेजगार, ये दाढ़ी, बड़ा मुकद्दस आदमी, चलो हो ठीक है, जाके हाथ पर हाथ रखा कि तू मेरा पीर, मैं तेरा मुरीद, क्यों पीर पकड़ा कि बहिश्त मिल जाए, बड़ी बेवकूफी है, माफ करना, अगर उस पीर के पास जाके हाथ पर हाथ रख दिया इस लालच में कि बहिश्त मिल जाएगा, पहले उस पीर को तो देखो कि वो खुद किस चीज से पैदा हुआ, अगर वो भी उसी में जिस चीज से पैदा हुआ जिससे तुम, वो खुद नहीं जा सकता, तुम्हें कहां ले जाएगा। अल्लाह खुश आओ भाइयों, अब ऐसों का दामन पकड़े जो तुम्हारी हमारी तरह न जिस चीज से न पैदा हुए। अब सलवात पढ़ो और आगे सुनो, यूं करते हैं ताकि आसान हो जाए।
कोई हदीस नहीं, तफसीर नहीं, किस्सा कहानी नहीं, मसनवी मौलवी रूम नहीं, शेख सादी के अशआर नहीं, मेरा कुरान। और कुरान का तर्जमा भी कुरान करे, कुरान की तफसीर भी कुरान करे। जरा गौर से समाज फरमाना जहां जहां बैठे हो। अब मेरे भाइयों, खुदा के आस पास चले, परवरदिगार पालनहार है, इतना बड़ा पत्थर हमारे आगे हायल कर दिया कि तुम बहिश्त में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी खिलकत नजिस। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना अच्छी तरह। अब परवरदिगार अब क्या करें, हम बहिश्त में तो जा नहीं सकते, अब मेहरबानी कर जरा हमें पाकों की फहरिस्त बता दे कि क्या क्या चीज है पाक जिसे तूने अपने कलाम पाक में पाक कहा हो। ऐसा ना हो कि हम किसी नजस को पाक समझ बैठे। आवाज आती है, ले सुन, पढ़ो भाई कुरान, बिस्मिल्लाह की बेस से लेके वरना उसके सीन तक सारे कुरान में हमने तलाश किया। उस सुनने वालों, सिर्फ चार चीजें मिली पाक, जिन्हें कलाम पाक में खुदाए पाक ने पाक कहा। चारों चीजें याद रखिएगा। फरमाता फीहा अज़वाजुन मुतहरा, बहिश्त के अंदर हैं, फीहा बहिश्त के अंदर हैं, अज़वाजुन बीबियां, कैसी बीबियां, उनके मुतहरा पाक। कहां रहने वाली हैं वो, कहां की, फीहा बहिश्त के अंदर हैं, अज़वाजुन खातूने, कैसी खातूने, के मुतहरा पाक। मालूम हुआ जन्नत की खातूने पाक। अब जो भी खातूने जन्नत होगी वो पाक। अल्लाह कुछ लगे क्या कहने आप हाफिज़ साहब। एक चीज पाक, कौन सी, बहिश्त के अंदर रहने वाली हूरे हैं। एक और कोई चीज परवरदिगार पाक फरमाता, अनज़लना मिन अस्समाउ माउ अंतहुरा, हमने पानी बरसाया पाक। कितने पाक हो गए, दो। और कोई परवरदिगार पाक फरमाता, फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतह ये सहीफे जो नबियों पर उतरे, तौरात ज़बूर इंजील कुरान, ये हैं पाक। कितने पाक हो गए भाई। और कोई परवरदिगार पाक फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैतैन व युतह हराकुम तत्हीरा। और क्या चीज पाक, क्या पाक भाई, आयत सुनी नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله. किन को पाक कहा, कितनी चीजें पाक होगी, पानी एक, पुराने जन्नत दो, सहीफे तीन, और चौथे गांव आले बैत, यही समझने की चीज है। फिर सुनो आयत, इन्नमो युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कौन पाक, भूल गए आले वैद, नहीं माफ करना, कौन है पाक, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। याद रखो मेरे भाइयों, सारा कुरान पढ़ जाओ, कहीं खुदा नहीं कहेगा अहले बैत पाक, अहले बैत का कोई जिम्मा नहीं लेता वो। अलबत्ता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कौन है पाक, अहलल बैत, ना के अहले बैत।
भाई यही चीज है समझने के काबिल, एक शेर ईमान का 40 शेर न हो जाए तो मैं सैयद नहीं। तवज्जो चढ़ता है जहां जहां बैठे हो, सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले को। अहले बैत का वो जिम्मेदार नहीं, हो सकता है कोई अहले बैत में से हो, महीने के 20 दिन तो पाक रहे और महीने के आखिरी 8 दिन 10 दिन नजस हो जाए, लेकिन जो अहलल बैत होगी ना, सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले को। अब चारों के पास चलें, शायद इन चारों में से किसी के दिल में रहम आ जाए, हम नर्सों को भी पाक करके बहिष्त के काबिल बना दें। घबरा तो नहीं रहे ना, पहली चीज क्या पाक, पानी गिलास में पानी, गिलास भी पाक अंदर वाला पानी भी पाक, और उधर एक हाउस जिसमें कुर या कुर से ज्यादा पानी, ये पानी भी पाक वो पानी भी पाक, मेरी उंगली का पोड़ा हो गया नजिस, मैंने इस पाक गिलास वाले पाक पानी में कोड़ा डबोया, हो गया पाक, इसे भी चट कर दिया, और वो कुर से ज्यादा पानी हाउस या तालाब 70 दफा उंगली डबोई, वो नजिस हुआ नहीं, इसे पाक कर दिया, खुद नजिस नहीं होता। भाई ये क्या, ये भी पानी वो भी पानी, ये नजिस हो गया वो क्यों नहीं होता, भाई ये कलील है वो कसीर, नहीं समझे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुशरिक आते थे, मुशरिक इनको कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक आते थे नजिस, आन के मुसाफे करते थे हुजूर पाक से, आन के करते थे गर्मियों में हुजूर पाक से, पसीने से शराबोर, मगर मुआनके हो रहे हैं, मुसाफे हो रहे हैं। कभी सुना आप लोगों ने कि मुशरिक से मुसाफा किया हो हुजूर पाक ने, जल्दी से अंदर गए हो, हाथों को गोता दिया हो, आब कसीर है छूते गए पाक करते गए, खुद नजिस हो ही नहीं सकता। क्या कहने लगा, पानी डर गया के ये नजस आन के मैं पाक को भी नजस में कर दी, लिहाजा पानी फेल हमें बहिष्ट में ले जाने के लिए जो खुद डर रहा पाक करते हैं, पाक और कोई चीज बाग फीहा अजवाज मुतहरा, बहिष्ट के अंदर है पाक बीबी, वो हमें मिल ही नहीं सकती जब तक बहिष्ट के अंदर न जा लें, क्योंकि वो रहती हैं बहिष्ट के अंदर, और जब तक हम पाक ना हो ले बहिष्ट के अंदर जा ही नहीं सकते, लिहाजा वो भी इस काबिल नहीं है कि हमें बहिष्ट ही बनाए, जाओ पहले पाक हो आओ फिर आना। समझ में आ रहा है भाई, और क्या पाक, फरमाता फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहरा, ये सहीफे नबियों पर उतरे, और बड़े बड़े तो तौरात जबूर इंजील कुरान और सहीफों छोटे छोटों को छोड़ो, ये बड़े सहीफे तौरात जबूर इंजील कुरान सब पाक, और छोटे छोटे के पास क्या लेने जाना, और सबसे अव्वल नंबर का सहीफा और आखिरी सहीफा कौन, कुरान पाक, इससे बढ़ के कौन पाक हो, और मिल के चले कुरान के पास, हाथ बांध लो बांध लिए कुरान के करीब पहुंचे कुरान चुप, हमें जुरत हुई कदम आगे बढ़ाया कुरान खामोश, और जुरत हुई कदम और आगे बढ़ाया, बिल्कुल कुरान के करीब पहुंच गए, कुरान ने दुत्कार दिया जोर उसी की जबान से सुनो, जो ही हम कुरान के करीब पहुंचे कुरान ने आवाज दी नहू लकुरान करीम फी किताब मकनून ला यमसुहु इल्लल मुतहरून, किधर शुत्रे बेमुहार की तरह चले आ रहे हो, ए कुरान पाक तेरे करीब के तू पाक, हम नजिस हैं बहिष्ट में जा नहीं सकते जब तक के पाक न हो लें, मेहरबानी करके हमें भी पाक करके बहिष्ट के काबिल हो जाएं। कुरान ने दुत्कारा दूर हो ला यमसुहु इल्लल मुतहरून, मुझे कोई छू ही नहीं सकता सिवाय पाकों, ए कुरान हम तो तुझे ही काफी समझ के आए थे, कि तू काफी है हमें बहिष्ट में ले जाने के लिए, और तू दूर से ही और दर्द दिखा रहा है, जाओ पहले वहां से पाक हो आओ, सलवात पढ़ दो मुझे। पानी डर गया,
सहीफे डर गए, हमारे कागज में नजिस कर दी, हमारी स्याही को छू के नजिस न कर दी। कौन डर गया, पूरा उन्हें जन्नत वो इस काबिल ही नहीं है, उसी हाओ वो रहती है बहिश्त के अंदर, वो हमारे किस काम की जब तक बहिश्त के अंदर न जा ले, बहिश्त के अंदर जा नहीं सकते जब तक के पास न हो। लिहाजा हमें ऐसों की जरूरत, ऐसे पाकों की जो हमारी तुम्हारी तरह नजिस चीज से न पैदा हुए और उनको अपने नजिस होने का डर न हो। खुदा ने जिम्मा ले लिया, इन्नमो युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तक तो नहीं गए, कौन पा अहलल बैत, आवाज आती है युतहिरकुम तत्हीरा, ऐसा पाक बनाऊं कि इससे बढ़ के पाकिजगी हो ही नहीं सकती, ऐसा पाक रखूं कि इससे बढ़ के पाकिजगी हो ही ना। वो कौन अहलल बैत? आप कहेंगे अहले बैत, नहीं भाई अहलल बैत आयत पढ़ के देखो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्सा अहलल बैत, ना कि अहले बैत। बहिश्त में जाना हो ना तो अहले बैत को ना तलाश करो, अहलल बैत को ढूंढो। नींद आ गई आप लोग, फिर मिल के सलावात पढ़ो। अच्छा अहलल बैत कौन है, ठीक है ना, अहलल बैत का दामन पकड़ लें, क्योंकि वो हमारी तरह नजिस है ही नहीं, खुदा ने जिम्मा ले लिया, करीब भी ना आने दूंगा किसी किस्म की निजासत का, जाहिरी हो खा बात नहीं, अल्लाह का जिम्मा है। लिहाजा ऐसों का दामन पकड़े जिन्हें अपने खत्म नजिस होने का खतरा ही ना, अल्लाह ने जिम्मा ले लिया हो, वो कौन है अहलल बैत। अब भाई अहलल बैत कौन, फला हदीस सुन लो, अहलल बैत फलाना फलाना, देंगे हम शिया हैं सुन्नियों की, ये नहीं मानते भाई, फलां किताब के हम सुन्नी हैं, शियों की होगी हम नहीं मानते, एक मुसीबत। छोड़ो कुरान से पूछे, ए कुरान बता अहलल बैत कौन, ठीक है ना भाई, सलावात पढ़ो। अल्लाह हाँ कोई इनकार ही नहीं कर सकता, मुसलमान हो के अगर इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। अहलल बैत याद रखना, जहां जहां बैठे हो मेरे भाइयों, अहलल बैत एक लफ्ज और मुरक्कब है दो लफ्जों से, क्या क्या, पहला लफ्ज है अहल और दूसरा बैत, नहीं अल बैत, दोनों को टकराया क्या बन गया अहलल बैत। अब यूं करते हैं कि बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास के सीन तक सारे कुरान में तलाश करते हैं कि लफ्ज अहल के कितने मायने कुरान ने बताए, जितने मायने कुरान लफ्ज अहल के बताए अहल के आगे जमा कर लो, जब सारे के सारे मायने कुरान से लफ्ज अहल के मालूम हो जाए फिर ले लो अल बैत। बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास के सीन तक सारे कुरान में तलाश करें कि लफ्ज अल बैत के कितने मायने कुरान ने बताए, जितने मायने अल बैत के बताए वो अल बैत के आगे ढेर कर लो, जब सारे के सारे मायने कुरान से लफ्ज अहल के भी और सारे के सारे मायने कुरान से लफ्ज अल बैत के मालूम हो जाए फिर एक मायना अहल का एक मायना अल बैत का उठा के टकराते जाओ, जो अहल अल बैत होंगे खुद निकलते आएंगे, बदामन पकड़ लो बेड़ा पार हो जाए। अब मैं मेंबर रसूल पर बैठ के यूं भी झूठ बोलना लांती का काम, और खास तौर पर मेंबर रसूल पर बैठ के झूठ बोलने वाला बड़ा मलूम, ठीक है ना मेरे भाइयों, मुसलमान होने की हैसियत से सलवात पढ़ दो एक दफा सुनो। तो मेरे भाइयों बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास के सीन तक इस कुरान में जिसकी 6667 आयतें 114 सूरतें हैं, बस यही कुरान है, न इसकी एक आयत आगे न एक आयत पीछे, जितना है भाई यही कुछ। इस कुरान के अंदर लफ्ज अहल के 9 और सिर्फ 9 मायने आए, 9 मायने इसके लफ्ज अहल के, जो 10वां मायना बताएगा 500 रुपया इनाम और उसका शागिर्द कहलाऊंगा। 9 के 8 नहीं और 9 के 10 नहीं, 9 के 9 मायने हैं लफ्ज अहल के। पहले 9 के 9 मायने सुन लो, फिर जहां जहां वो मायना आया है आयत सुन लो ताकि तसल्ली हो जाए, जब अहल के मायने मालूम हो जाए फिर बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास के सीन तक अल बैत को ढूंढेंगे, ठीक है ना, वो बड़ा आसान हो जाएगा अहल अल बैत का पकड़ना, नींद ना आ जाए बस ये है।
माना जी कितने मायने बताए हैं लफ्ज़ अहल के? नौ, अब याद रखना कौन कौन सा मायना। पहला मायना है कुरान में लफ्ज़ अहल का औलाद, याद रखोगे तो लुत्फ आएगा। पहला मायना कुरान में लफ्ज़ अहल का औलाद, एक। दूसरा मायना कुरान में लफ्ज़ अहल का ताबईन, पैरो, मुक्तदी, मामून, पीछे चलने वाले, कितने हो गए? दो। तीसरा मायना कुरान में लफ्ज़ अहल का बीवी, ज़ौजा, बशर्ते के कुनबे की हो, बाहर से ना आई हो, चचा की बेटी हो, मामू की लड़की हो, पुफी की लड़की हो, मासी की हो, खानदान की हो, तो वो तो बन जाएगी अहल। और बाहर से ले आओगे बीवी बन जाएगी, ज़ौजा बन जाएगी, घरवाली बन जाएगी, ये अहल नहीं बन। कितने हो गए? तीन। चौथा मायना कुरान में लफ्ज अहल का कुटुंब, कबीला, घर वाले, कबीला, कितने हो गए? चार। पांचवा मायना कुरान में लफ्ज अहल का काबिल, लायक, मुस्तहिक, सजावार, वो इसी का अहल है यानी इसी काबिल है, कितने हो गए? पांच। छठा मायना कुरान में लफ्ज अहल का किसी सवारी पर सवार, किसी सवारी पर सवार, कितने हो गए? छी। सातवां मायना कुरान में लफ्ज अहल का किसी शहर या किसी देहात के रहने वाले, अहले मुल्तान, कितने हो गए? सात। आठवां मैना कुरान में लफ्ज अहल का मालिक, नौवां मैना और आखिरी मैना कुरान में लफ्ज अहल का वारिस। बस ये नौ हैं, दसवां मिलेगा नहीं, सारी उम्र ढूंढो। अब एक एक मैना बोलते जाओ, आयत सुनते जाओ। पहला मैना कुरान में लफ्ज अहल का औलाद, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, वो कहां पर? वो कुरान पाक में हजरत नूह का किस्सा, कई जगह किस्सा मौजूद है। मुख्तसरन किस्सा यूं है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाजो नसीहतो तबलीग करते रहे, कितने? बस लबे सफी कौम में ही, भाई खुदा के लिए दिल से बताओ, नींद तो नहीं आ रही? मैं भी ना थकूं खाने का, अब मैं भी ना यू ही थकूं और आप लोग घूमें, मिलकर सलवार पढ़ो ना। लबे सफी कौम में ही अल्फा सनतिन इल्ला खमसीना, लबे सफी कौम ही, हजरत नूह अपनी कौम में रहा, वाज करता रहा, तबलीगें करता रहा, नसीहतें करता रहा, अल्फा सनतिन 1000 साल, इल्ला खमसीना मगर 50 कम, कितने हो गए? 950 वर्ष। हालत क्या होती थी सुनने वालों? उधर हजरत नूह वाद करने खड़े हुए, कौम के लोग झोलियों में पत्थर लेके आ गए। नूह वाद कर रहा है, कौम पत्थर मार रही है, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नूह डूब गया। ताली बजाते वापस मुड़े, बस खत्म हो गया, ना अड्डा रहेगा, ना मक्खी बैठने का इस्तेमाल होगा। वो खुशी खुशी जा रहे हैं वापस, जिब्राइल आए, पत्थरों को हटाया, नूह को निकाला, जहां जहां जख्म आए थे बहिष्ट की मरहम लगाई, फौरन अच्छा किया कि जानू फिर मार खा। साढ़े 900 वर्ष तक मारे खाते रहे, 950 वर्ष तक संसार होते रहे, 950 वर्ष तक तकलीफें उठाते रहे कौम के हाथों। मुसलमान कितने हुए? कुल 81। 950 वर्ष की मेहनत का नचोड़, छोटे बड़े औरतें मर्द मिला के कुल 81 मुसलमान। 950 वर्ष की नबी की सोहबत, 950 वर्ष तक नबी के इर्द गिर्द रहे, गोमारी देते रहे मुसलमान कुल 81। जब 950 वर्ष पूरे हो गए मारे खाते खाते, एक रोज हजरत नूह ने कौम को देखा, गौर से सुनना जहां जहां बैठे, कौम को देखा और देखते ही दामन फैलाया, रब्बे लौ तज़र अलल अर्ज मिनल काफिरीन दयार इन तजर हुम युज़िलु इबादका वला यलदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। 950 वर्ष तक मारे खा खा के हजरत नूह
टॉम को देखा, टॉम की पुश्तों को देखा, लब्बे लाओ तजर अलल अर्ज मिनल काफिरीन दयारा। और परवरदिगार अब काफिर कर दे काफिरों का बेड़ा गर्क, सुन रहे हो ना भाइयों, कर दे काफिरों का बेड़ा गर्क। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लू इबादक, अब अगर तू इन्हें छोड़ देगा ये जो 81 मुसलमान 950 बरस की मेहनत का नचोड़, इनको भी ये वरगला लें। अब कर दे बेड़ा गर्क, क्योंकि ला यले दू अब कोई नहीं पैदा होगा, ला यले दू हुन किसे नहीं जमना। समझ रहे हो ना भाई, परवरदिगार और अब कर देगा फिर उनका बेड़ा गर्क, क्योंकि ला यले दू हुन किसे नहीं जमना, इल्ला फाजिरन कफारा, अब जो भी पैदा होगा फाजिर हो काफिर ही होगा, लिहाजा कर दे बेड़ा अगर। याद रखो कुरान सुनने वालों, नबियों को अपने ऐसा समझने वालों, साढ़े वर्गा देखो नबी का इल्म, आओ हजरत नूह से पूछे, नूह नबीउल्लाह तूने जो 950 बरस तक मारे खाई, तकलीफें उठाई, अजियतें सही, आखिर बद्दुआई करनी थी, आखिर बद्दुआई करनी थी, यही बद्दुआ 100-200 बरस पहले कर ली हो, 100-200 बरस तो चैन से बसर होती, और कम अज कम 50 बरस ही पहले कर ली होती बद्दुआ, आखिर जो करनी थी। क्या बात है, आवाज आती है, तू क्या जान, 950 बरस तक मारे खाई, इनकी पुश्तों को इल्मे नबुव्वत से देखता रहा, जब तक किसी काफिर की पुश्त में एक मोमिन भी पैदा होने वाला था, तकलीफें उठाई, संसार हुआ, मगर बद्दुआ न की। जब सारी पुश्तें काफिरों की साफ हो गई, पैदा हो गए पैदा होने वाले, अब बद्दुआ कर दी परवरदिगार और अब कर दे बेड़ा गर्क, क्योंकि ला यले दू अब कोई नहीं पैदा होने वाला, इल्ला फाजिरन कफारा, अब जो भी पैदा होगा फाजिर होगा फिर ही होगा, लिहाजा कर दे बेड़ा गर्क। मालूम हुआ नबी और इमाम जल्दबाजी नहीं किया करते, या अली तलवार क्यों नहीं उठाता, सदुल्लाह इल गालिब हो के क्या करे, उनकी पुश्तों को देखता था, 1350 वर्ष बाद पैदा होने वाले मोमिनों इल्मे नबुव्वत व इमामत से देखता था। करबला में हुसैन चाहते ना कोई गूफी बचता ना कोई शामी, एक बद्दुआ कर दे, लेकिन चुन चुन के उन्हीं को कत्ल किया जिनकी पुश्तों में कयामत तक किसी मोमिन ने पैदा न होना था, और जिसकी पुश्त में 1300 वर्ष बाद भी किसी मोमिन ने पैदा होना था, उसने पत्थर मार दिया हुसैन ने मुंह इधर कर। भाई बात तो समझ में आ रही है, अब भी हम इंतजार कर रहे हैं इमाम का, और दुआएं मांगते हैं, अज्जल अल्लाह फराजा, जल्दी करे अल्लाह उसका जहूर, तुम्हारे कहने से जल्दी न होगी। वो हमारा इमाम भी देख रहा है पुश्तों को, जब तक किसी काफिर या मुनाफिक की पुश्त में एक मोमिन भी पैदा होने वाला है, इमाम कभी नहीं आएगा, जब सब पुश्तें साफ हो जाएंगी। आए सलावात पढ़ दो मोहम्मद। उधर नूह ने बद्दुआ की, देर क्या लगनी थी, आवाज आई, नूह तेरी बद्दुआ मंजूर, मगर ऐसा ना हो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए, ये जो 81 मुसलमान 950 वर्ष की मेहनत का नचोड़, इनका तो कोई तदारक कर ले कि ये भी साथ ही पिस जाए, क्या करूं परवरदिगार। आवाज आई कि वस्मिल फुलका बेअय्युनना वहयना, ए नूह जल्दी कर, कश्ती बनाओ, कश्ती
किस तरह बना आयों ने ना आंखों के सामने बनाओ, खुले मैदान में बना, कोठरी में छिपके न बनाना। और किस तरह बना वही ना हमारी वही से बना, मैं बताता जाऊं तू बनाता जा। अल्लाह को एनु तू कश्ती बनाओ परवरदिगार, मैं कोई दरखान, मैं कोई नजार हूँ परवरदिगार, मैं कोई मिस्त्री हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं तो पैगंबर हूँ, तू हुक्म देता जाओ, मैं तबलीग करता जाऊं, ये इमारतें बनाना या लकड़ी का ये काम, कश्तियां बनाना, ये तो दरखानों का काम। हुक्म कर दुनिया भर के बेहतरीन से बेहतरीन कारीगर जहां जहां भी मिले, जिस मुल्क में भी मिले, मंगवा लिए जाए, जो मुंह से मांगे दे दिया जाएगा, तेरे खजानों में क्या कमी, भला मैं क्या जानू लकड़ी का काम। आवाज आई खबरदार नू खबरदार वस्मिल फुल, तू बना तू, जिसे लोग बनाएंगे खुद भी डूबेगी। तू बना तू, मालूम हुआ नूह की कश्ती नबी के हाथ से बनी, याद रखना। और किस तरह बनाओ बे आयों ने ना खुले मैदान में आंखों के सामने, मालूम हुआ नूह की कश्ती आंखों के सामने बनी, दो वही ना हमारी वही से बनाओ, मालूम हुआ नूह की कश्ती बनी तीन जीरों से, खुदा की वही से, नबी के हाथ से और खुले मैदान। और परवरदिगार और इतना इत्माम क्यों कर रहा, तू क्या जाने आन करीब मेरा महबूब खातिम नबीयीन बन के आएगा, उसकी जबान मुबारक से एक जुमला निकलेगा, उसकी लाज रख रहा हूँ, आवाज आएगी मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मसल, नूह की कश्ती की मसल, अब फर्क न होने पाए, इधर नूह की कश्ती, इधर निजात की कश्ती, अहले बैत, नूह की कश्ती बनी तीन चीजें, नबी के हाथ से बनी, खुले मैदान में बनी, खुदा की वही से बनी। अब निजात की कश्ती बनने लगी, तीनों चीजें हो, खुदा की वही हो, खुला मैदान हो, नबी का हाथ, खुदा की वही हो, या रसूल बल्लिग, खुला मैदान हो, गदीर का नबी का हाथ हो, के मन कुन तो मौला हो। सलवात पढ़ दो ना, तुम मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, नूह की कश्ती बन चुकी, देर ना हो गया ना ज्यादा, कश्ती बन चुकी, हुक्म आ गया, कुल नहमिल फीहा मिन कुल ज़ौजैन इस्मैन, ए नूह हर जानवर का भी जोड़ा जोड़ा बिठा ले। मालूम हुआ नूह की कश्ती ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बचाया, हैवानों को भी बचा लिया, निजात की कश्ती अहले बैत सिर्फ इंसानों का ही बेड़ा पार नहीं करी, हैवान भी पना लेंगे, कौन हैवान, अस्हाबे काफ का कुत्ता, हजरत सालेह की ऊंटनी, हुसैन का घोड़ा जुलजना, यूं मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह। सलवात भी पढ़ दिया करूं, किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, जानवर भी बैठ गए, अब इंसानों की बारी आई, वो 81 मुसलमान बैठ गए, जब सब बैठ गए तो आई घर वालों की बारी। नूह के थे चार फर्जंद, चार बेटे, साम, हाम, याफिस और किनान। साम भी बैठ गया कश्ती में, हाम भी बैठ गया कश्ती में, याफिस भी बैठ गया कश्ती में, लेकिन जो चौथा बेटा था ना नूह का, क्या नाम, किनान। खुदावंदी आलम कुरान में फरमाता कि कौन फी माज़िलिन, कश्ती को छोड़ के अलग किनारे पर खड़ा हो गया। नबी ने देखा, नूह ने आवाज दी, आओ बुनैया,
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. आवाज दी या बुनैया बेटा, क्या रहे नबी बेटा कह के बुला रहा, या बुनैया बेटा इरकब मना, इधर आ कश्ती में सवार हो, वला तकुम अल काफिरीन, और काफिर ना बन. मालूम हुआ जिसने नूह की कश्ती को छोड़ा नबी ज्यादा ही क्यों ना हो काफिर, जिसने निजात की कश्ती